अभिषेक जी, क्या हाल है? बढ़िया सर, आप बताओ। कृष्णा और आशीष बात करें भाई। जी सर। यार आपकी तो मतलब जितनी तारीफ करी जाए उतनी ही कम है। थैंक यू। क्या बना दिया आपने? रोबो कुक बनाया है? रोबो कुक? जी, ऑटोमेटिक कुकिंग मशीन। अच्छा, ये मशीन क्या कर देती है? महिलाओं को जो है रसोई से जो है मुक्ति पाने का किसी शख्स ने महिलाओं के बारे में सोचा है जी। उस शख्स की तरक्की को कोई नहीं रोक पाया। बाकी भी सही भी है। सही भी जी। हाँ जी, तो बताएंगे रोबो कुक के बारे में है क्या ये? सर, ये एक ऑटोमेटिक कुकिंग मशीन है। इसमें छोटे छोटे डब्बे हैं। आप जब देखोगे मशीन में तो ऊपर में छोटे छोटे डब्बे हैं। आप कोई भी रेसिपी सिलेक्ट कर लो, ये मशीन बोल कर बताएगा किस बॉक्स में आपको क्या चीज रखना है। आलू मेथी, हाँ आलू मेथी जो भी आपसे प्रक दोस्त कर सारा काम मशीन का। जैसे घर में मम्मी खाना बनाती है ना, पहले कढ़ाई में तेल डालते हैं, फिर जीरा डाल के छौंक लगाते हैं, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल घर का खाना इसमें ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो यार इसमें मैंने सुना बहुत सारे हाँ, एक्चुअली जो आप सपोज कि जो चीज कढ़ाई में बनाते हो ना, जैसे चावल दाल खीर तड़का पोहा गाजर का हलवा, मतलब कुछ भी, ये सब चीज ऑटोमेटिक इस मशीन में बन जाता है। ऑटोमेटिक कैसे बन जाता है? मतलब ऑटोमेटिक आपको क्या है कि आप कोई रेसिपी सिलेक्ट कर लो इनमें से, जो चीज कढ़ाई में आप बनाते हो कोई रेसिपी सिलेक्ट कर लो, ये मशीन किसी भी भाषा में बोलता है। मतलब अगर मान लो कि गाजर कद्दूकस करके कौन डालेगा, वो तो करना पड़ेगा सर। मतलब ये बताओ ना, मैं वही कहूँ, आजकल गाजर कौन कद्दूकस कर रहा है अपने घर में? सब कद्दूकस करवा के लेकर आ रहे हैं। बेमतलब जो है तरक्की के सामने ना इसे मत आ जाओ, तुम खड़े होकर टांगे खोल के मशीन है। चुप हो जाओ, मशीन है। देखो मशीन तो कपड़े की भी है, ऑटोमेटिक भी है, मेरे कपड़ा डाल। लेकिन खाना ऐसे नहीं बनता ना गुरु। हाँ जी, तो अभिषेक जी, तो मान लो मैंने गाजर कद्दूकस करके रख ली जी, उसके बाद उसके पास दूध रख लिया, फिर मैं क्या बोलूंगा मशीन को? हाँ, मशीन आपको बोलकर बताएगा कि इसमें क्या चीज रखना है गाजर का हलवा बनाने के लिए, और फिर आप सिर्फ रख दो उस बॉक्स में, उसके बाद आप छोड़ दो, आप चले जाओ बाजार या कहीं कोई दूसरा काम करो, फिर सारा काम मशीन ऑटोमेटिक कर लेगा। बाजार कहीं भी चले जाओ, आप दूसरा काम कर लो। दूसरा काम आशीष करता, मैं नहीं। बताइए आगे। बस आप रख दो उसका सारा काम मशीन का, मशीन में ऑटोमेटिक बन जाए। मतलब क्या चाहिए, चीनी कैसे लेगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं, वो सब कैसे, टेंशन नहीं, सारा कुछ प्रोग्राम किया हुआ है। यही तो मशीन है, इसी के लिए तो मुझे अवार्ड मिला है। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो। ये एक मंथ दो काज हमसे बात करते करते इन्होंने ये भी बता दिया कि इनको अवार्ड मिला हुआ है। बहुत अच्छी बात, बहुत मुबारक हो। ये तो मतलब ऐसे तीन टाइम का खाना बना देगा एक ही टाइम पे? नहीं सर, तीन टाइम का खाना अगर आप बनाना चाहते हो तो बना लो, क्या दिक्कत है? चाहते हो तो बना लो। चाहते हो तो मैं तो फिर तू बनना चाहता था वो बन पाया? हाँ, तो तू भी करना चाह रहा कर पाएंगे घंटे भर? नहीं ना, वो थी चाहत पे देखो उनको। तो मैं कह रहा था आपसे महोदय कि इस मशीन की तो जितनी तारीफ की जो उतनी कम है। भरमा बैंगन जो मुश्किल चीजें हैं, भरमा करेला, भरमा बैंगन, भरमा शिमला मिर्च, भरमा बिमलानी, भरमा आलू, इनका कैसे किया जाए? ये सब चीज तो बहुत आसान से बन जाएगी, ये सब चीज तो बहुत आराम से बन जाएगी एकदम। ये सब चीज तो बहुत आराम से बन जाएगा इस मशीन में। ये भरमा वाली, हाँ, जो आलू दम या जो भी आप चीज बोल रहे हो, कॉन्फिडेंस देख रहा है, ये सब तो आराम से बन जाएगा इसमें। बहुत बढ़िया। तो मतलब मसाला पहले बनाना है, फिर इसको आदेश देना है, प्रोग्राम आपने किया हुआ उसमें मसाला डालेंगे आपको? सर, आपको सर सिर्फ इंग्रेडिएंट्स डालकर सिर्फ एक बटन दबाना है। ओके, ठीक है। सारा पूरी दिल्ली बैठ कर रही है। नहीं नहीं, एक सेकंड अभिषेक जी, जी एक बार दोबारा बोलिए। सारा सामान डाल के, सारा मशीन आपको बोलकर बताएगा, जैसे आपने आलू दम सिलेक्ट किया। नहीं, सारा सामान डाल के बस एक बटन ओके करिए, ठीक है। उसका सारा तो पहले बोला था, दाबना है, दाबना है यार। अच्छा लग रहा है, दाबना अच्छा लग रहा है, दाबना अच्छा लग रहा है। मैं ये कह रहा था सर जी, क्या कीमत रखी है आपने इस मशीन की, अगर कोई लेना चाहे? सर, 8 से 10 हज़ार रुपए है, लेकिन अभी मार्केट में नहीं है। बहुत बढ़िया यार, ये तो दिवाली पे गिफ्ट कर देने वाली चीज कर दी आपने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। एक्चुअली सर, जानते हो घर में इस मशीन के लिए अक्षय कुमार ने काफी तारीफ कर रखी है, सोनम को बहुत बहुत मुबारक हो उस चीज के लिए भी। उन्होंने आपको आलू गोभी मैन बोला, आलू गोभी मैन बोला था मुझे जी, पैडमैन के रिलीज के टाइम। चलो, जिनका रेडियो फ्लैट नहीं निकल रहा, कम से कम मशीन ही निकल जाए। मैं तो मशीन निकलने की कोई नहीं हो तो पैसा दो ले लो, नहीं कॉन्टेस्ट में हो सकता है। 8-10 हज़ार में तो ऐसा है जैसे ये गली मोहल्ले के जो अपार्टमेंटों वगैरह के RWA के जैसे फंक्शन वगैरह होते हैं, अपार्टमेंटो जो आपने है, उसमें दे दो अपार्टमेंट, लेडीज का लेडीज लोग खुश हो जाएंगी। अपना किट्टी विट्टी बहुत अच्छी चलेगी, किट्टी पार्टी में मतलब हिस्सा बन जाएगा। चलता स्पेस कितना ले लेता है, खड़ा होता है या बैठा रहता है? सर, एक बकेट के साइज का, जो पानी वाला बकेट है, उतना छोटा ही है।
अच्छा जी, मतलब अगर चोर घर में आए तो मैं तो भगत जी कहूंगा कि अगर दिल्ली में हो तो कभी स्टूडियो आओ हमारे यार। सर बुला लो, मैं तो दिल्ली में ही हूँ, मैं आ जाऊंगा। चलो फिर।